है? नहीं है, लेकिन फैन चल रहा है, फैन चल रहा है इधर। देखिए भैया, फ्री का लाइट है, आप लोग कोई चाहिए तो ले लीजिएगा। मैंने को थोड़ी भी ध्यान नहीं दी जाती है कि ये बिजली का बिल उठ रहा है चाहे जो भी हो। फटाफट 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 सारे काम होते रहे, मैं भी लाइट बंद कर देती हूँ। ओहो, किचन का क्या हाल, बच्चों ने खाना खाया है तो मैं आपको किचन का दिखा रही हूँ। यहाँ ये मेरे अचार के वो देख लीजिए कितनी बैग। देखिए ये बच्चों ने खाना, अभी अभी जस्ट मैंने किचन साफ करके पूरी तरीके से गई हूँ, और कढ़ाई से सब्जी लिया गया तो इस तरीके से छोड़ दिया गया है। ये ऐसे ना पूरी पोजीशन पूरी किचन की डैमेज कर दी जाती है, और फिर होता है मम्मा तो है ही साफ़ करने के लिए, सच में ना वही चीज़ होती है। नया खाली ही बर्तन यहाँ पे इसको जो कि मैंने बोली थी कि मैं भिगो देना बेटा, बट ये भी इसी अकॉर्डिंग बच्चों ने खाई। और आज का दिन है संडे, और इसे देखिए इस तरीके से खोल के रखा हुआ है अचार के कैप। अब इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि साइड लगाओ। और ये देखिए यहाँ पे अब इसे पोछना साफ करना ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ये देखिए और ये देखिए हाथ फिरे, देखिए सच। और आज संडे है, संडे के इस समय बजे हैं 2, और सब लोग आज खाना खाया बहुत लेट। लेट होके क्या कारण भी था कि मैं आप लोग को दिखा दूंगी क्या क्या हुआ था सुबह से, मॉर्निंग से। मैं तो आज सोची थी ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, बट अभी मैं अपने हाथ धुल लेती हूँ। जब मैं किचन अभी क्लीन कर ली हूँ ना, अभी आपको दिखाती हूँ पूरा किचन हमारी क्लीन हो गई है, ठीक है। ये काउंटर उंटर सारी चीज़ हो गए हैं साफ, नहीं ये कुछ अलग से है तो ये मैंने साफ कर ली। बट देखिएगा अभी कुछ देर अगर मेरे पास रहे, याद पड़ा, अगर मुझे याद भी आ गया, ध्यान आ गया कि नहीं आप लोग को दिखाना है, तो मैं ज़रूर, अगर गंदा रहेगा तो आज का ही फिर से मैं दिखाऊँगी कि कैसे बन जाता है। तो मेरे साफ दो दो बार करने के बाद, आज है दिन संडे, तो संडे के दिन पूरे बच्चे ने आज पढ़ाई बहुत कम की, इंजॉय की है। और इस समय किस तरीके से मैं हूँ, मैं बाल धुली हूँ बट कॉम भी नहीं की हूँ, ना चेहरे कुछ भी नहीं है, इसी को भी नहीं आए, ये लोग भी नहीं है। मैं सोची थी कि यहाँ पे पूछा सीढ़ी का करने का, वो भी नहीं की। और आज गाड़ियाँ भी सारी खड़ी, बस मेरी वाली गाड़ी, पापा मम्मी नहीं गए, यहाँ पर गाड़ियाँ ये चार तीन रहती है, तो ये तीन है, मेरे हबी की बोरियाँ लगी हुई है, बच्चों लग गए। कैसा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो गाइस इस समय शाम को मन रात जो शाम होती है उस समय 7 बज रहा है, और यहाँ मैं बना रही हूँ आज छोले। यहाँ देखिए चना बॉयल हो चुका है मेरा काबली चना, और मैं आज सोची थी इसे नाश्ते में शाम को छोला ही दूंगी बनाने के लिए, क्योंकि संडे है, पापा को लोग सभी लोग शाम को रहेंगे। बट ऐसा हुआ कि वो आ ही गए थे, भाई जियो वाले आप लोग देख ही लिए उनके वीडियो, वो आ गए थे, तो वो 1 बजा दिया, ऐसे ही टाइम हो निकल गया। फिर 1:30 बजे सब भोजन किया, फिर पापा भी निकल गए काम से, अपने मम्मी को लेके गए थे और कहीं गए थे बाहर, ये भी चले गए। फिर मम्मी पापा जब आए तो वो समोसा वगैरह लेते आए, तो इसलिए बच्चों को खा लिए थे छोला, बनना रात का हो गया नहीं तो नाश्ते में ख़त्म हो जाता है। यहाँ देखा, और इसमें बर्दाश्त करी की सब्ज़ी, और इधर मेरा गर्म हो रहा है तो बॉयल हो रहा है। ये लहसुन, मैं चली हूँ ये प्याज कटिंग कर रही हूँ 3 पीस, और 1 काट के इसमें आधा डाल दी हूँ, और यहाँ सब छील के अब चली हूँ तैयार कर रही हूँ। और ये मटर अच्छे तरीके से दिखा था, बॉयल हो चुका है, अब तरवी की सब्ज़ी हो रही है। तो आज लग रहा है कि मैं बहुत दिनों बाद रात की कुकिंग वाला काम, अपना जो ब्लॉगिंग है, कुक मैंने खाना बनाने वाला काम जो सारा दिखा रही हूँ, और ब्लॉगिंग भी मैं इतनी टाइम कर रही हूँ, नहीं तो मैं इधर मुझे लग रहा 3-4 महीने से मैं रात की ब्लॉगिंग नहीं डाली थी, तो फिर इतने दिनों बाद मैंने फिर से ब्लॉग बना।
तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत गर्मी हो रही है, पसीने छू रहे टप 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 टप, तो मैं पहले चली हूँ तैयारी करती हूँ। उसके बाद छोले तो मैंने कई बार आप लोग को दिखाया, इसमें क्या दिखाने वाली बात है कोई नहीं है। तो ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, देखते हैं कब तक ब्लॉग बनता है कब तक नहीं। उठो स्कूल जाना है ना, गुड मॉर्निंग हो गई, उठो जो इधर कोई देखो कौन है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर सामने सामने सामने, उठ जाओ कम ऑन जल्दी से जल्दी से उठ जाओ 8 बजे। फटाफट सुबह की गुड मॉर्निंग हो चुकी है और नाश्ता बनने के लिए बच्चों को टिफिन के लिए तैयारियां प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। तो मैं फुल तरीके से आपको दिखाती हूँ क्या बन रहा है। सत्तू का पराठा, सत्तू पेस्ट तैयार है, ऑर्डर पहले से ही हो जाता है क्या खाना है क्या ले जाना है क्या करना है। तो देखिए मैंने सत्तू के पेस्ट तैयार करके रख ली हूँ, अब चने में चाय चढ़ाऊँगी और मैं आटे गूंथूँगी और फिर बनाऊँगी पराठे। तो गैस वहाँ पे उस दिन शाम का ब्लॉग वहीं पे रुक गया था, फिर उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग के टाइम में फिर से स्टार्ट हो गई वही ब्लॉग में, मैं फिर से स्टार्टिंग कर दी क्योंकि वो छोटा सा उसी में बना हुआ फिर बंद हो गया था, मेरे पास टाइम नहीं था फिर मैं पूरी चीज़ें आप लोग को दिखाती। तो यहाँ पर मैं बच्चों का टिफ़िन फटाफट तैयार कर रही हूँ, तो इसी अकॉर्डिंग मैं तीनों बच्चों का, बाबू तो आलू का ये पराठा सत्तू का नहीं ले गया, उसके लिए पूड़ी और टमाटो सॉस मैं अलग से दी, उन्हें उसे पूड़ी तली वो कहा मैं पराठा नहीं खाऊंगा। तो यहाँ दोनों बेटियाँ सत्तू का पराठा ले गई, फिर बच्चों पापा के लिए भी मैं बनाई, घर में भी सब लोग खाया। तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा भागम भाग रहता है, तीनों बच्चों को एक साथ जाना रहता है, जिसके कारण जो टाइमिंग होता है ना टाइमिंग सुबह का 8 बजे का है तीनों का, तीन एक साथ इतनी ज़्यादा अभी देखे कितने परेशानी से फटाफट मैं पहले लंच बना लेती हूँ, बॉक्स तैयार कर लेती हूँ, बॉटल भर देती हूँ, उसके बाद करती हूँ बाबू को तैयार करती हूँ। तब तक वो ब्रश कर लेता है, चाय बिस्किट कर लेता है, सुबह की मॉर्निंग में वो कुछ खाता नहीं और कुछ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसे रिलीफ देती हूँ, मैं वो चाय बिस्किट तब तक कर ले जब तक मैं इधर काम ले टिफ़िन लंच बॉक्स वगैरह और चाय बॉटल हुआ चाय उसका बैग वह सारा चीज़ तैयार करती हूँ, तब तक वो अपना वो काम कर लेता है। तो फिर मैं जब ये सबसे हटती हूँ तो मैं जाती हूँ पहले उसे तैयार करती हूँ, ये मेरी डेरी का क्योंकि वो छोटा है वो नहीं अपने तरीके से तैयार हो पाएगा, इसलिए हमें ही करना होता है। और उसके तैयार होने का पूरा जब तक वो घर से निकल नहीं जाते हैं तीनों बच्चे सॉक्स वगैरह सारा चीज़, तो मास्क सबसे ज़रूरी होता है, तो मास्क पकड़ाना वो दोनों लोग तो अपना मास्क ले लेते हैं, लेकिन बाबू का भी मास्क हमें खोज के देना, वो आता है तो फेंक देता है छोटा है अभी, तो फिर से उसे धुलो हटाओ अब गंदा कर दिया है तो उसे धुलना पड़ता ही है। और बड़ा वाला मास्क जो होता है वो देते नहीं है क्योंकि उसे और चेहरे से ही बाहर चला जाता है। तो यहाँ मैं तीनों लोग का लंच बॉक्स तैयार कर दी हूँ और लंच बॉक्स तैयार करके मैं दो पराठे ऐसे बना दे रही हूँ कि वो सबको अगर खाना होगा बड़ी बेटी को छोटी बेटी को तो वो सब खा सकती हैं। तो यहाँ मैं फटाफट बना के 2-3 ठो एक्स्ट्रा रख देती हूँ, लंच बॉक्स तैयार हो गया है। इसके बाद ये आते हैं कुछ कहने के लिए, तो मैं इनसे बातें कर रही थी कि अभी आप शांत रहिए, अभी मुझे बच्चों का कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। तो चलिए अब बाबू को पहले मैं तैयार कर, थोड़ी सी यहाँ स्पीड में बढ़ा दी क्योंकि वीडियो नहीं तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, लंबा लंबा हो जाता है तो देखने भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप ही लोग सोचेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत स्पीड बढ़ा दी हूँ। और इससे फटाफट फटाफट यूनिफॉर्म और बाथरूम तो मेरा अक्सर खुला आप लोग को दिखाई देता है लगता है बाथरूम की प्रदर्शन चल रही है ना तो यहाँ पर मैं बाबू को तैयार कर ली हूँ। घूमे 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 ठीक है टाइट नहीं ढीला नहीं है अब
अब को मैं यहाँ कॉम्ब वगैरह करूँगी, कॉम्ब करके फिर मैं इसे इसका बैग वगैरह सारा चीज़ दूँगी, इसे कैसे ले जाना है आगे रूम में ले जाऊँगी। तो आप ब्लॉग के साथ बने हैं, तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और देखते हैं इतने लोग, लेकिन 77% लोग नहीं करते हैं सब्सक्राइब। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए मुझे। तो वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे यही चल रहा है, तो चलिए आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए, देखिए कहाँ से क्या तक होता है। यहाँ पे ये भी पानी पी रहे हैं, बच्चों को ले जाने की तैयारी में लगे हुए। बाबू का बॉटल भरना है, आओ तुमको सो सॉक्स पहना है। हेलो बेटा, तो यहाँ पे बाबू का सूज पॉलिश हो रहा है, तो आई होप आप लोग ये देख ही रहे हैं। तो चलिए आप लोग म्यूजिक के साथ बने रहिए। तो गाइस इसी तरीके से यहाँ देखिए अब बच्चों का जाने का समय हो गया है पूरा। तो यहाँ से ही ब्लॉग यहीं पे ये ब्लॉग एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये ब्लॉग यहीं पे बंद हो जाएगा। तो मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।